हेलो। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। दो औलाद से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये हुक्म वो दे रहे हैं जो खुद अपनी अम्मा के 8वीं औलाद हैं। अजी दूध कितना दे रही है? भाई दूध दे रही पूरे 12 लीटर। भाई नहीं लेते क्यों? जाते एक आंख तो कहानी। बस ठीक है, तो मैं इसका दूध पीना, अपने लौंडे का रिश्ता करना आज की साथ। अगर तू किसी जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तू क्या करेगा? सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। अगर वहाँ भी आ जाए तो? सर फिर मैं पानी में कूद जाऊंगा। और अगर वह पानी में भी आ जाए तो? अरे मास्टर पहले तू ये बता, ये शेर तेरा रिश्तेदार है क्या जो तू बार बार उसकी इनसाइड लिए जा रहा है? हाय बेबी, कैसे है? एकदम मस्त। वो कौन है रे? ये मोर दोस्त। हाय। अबे कुछ बोलना। आई लव यू। भैया उसने मुझे मारा, आज लाशें बिछेगी, एम्बुलेंस बुला ले छोटू। भैया वो रहा, तेरी ही गलती होगी, घर पे जा। कुछ तो था उसकी बातों में जो मुझे उसकी हमेशा याद आती है। उधार लेके भाग गई क्या? घबरा मत पांडे, छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। जानता हूँ पांडे, मैं हूँ। भैया मोदी विरोधी आज बड़ी दुविधा में पड़े हैं कि मोदी का कहना माने तो शान चली जाएगी और ना माने तो जान चली जाएगी। 5 बजे थाली और 9 बजे मोमबत्ती, इसको देख के लगता है कि अगली बार 11 बजे मुजरा होगा। अब मुजरे के बोल होंगे, नाच करोना नाच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोनी नकुम और आज आपको मिलाने जा रहा हूं मैं हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी के नौकर श्यामलाल मिश्रा। यार अपनी इंडिया कमाल का देश है भाई, 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है और 100 दे दो तो पुलिस चली भी जाती है। भैया एक ग्लास जूस से लड़ाई होने वाली है, ये लो भैया। एक गिलास और दो, लड़ाई होने वाली है, ये ले भाई। अरे एक गिलास और दो, लड़ाई होने वाली है। अबे लड़ाई होएगी कब भाई, पैसे तो मांग। का हो भैया, का ऐसा दिन भी आएगा कि जब रात 8 बजे बोल रहे होंगे कि भाइयों और बहनों देश बर्बाद हो चुका है, आज रात 12 बजे मैं भी झोला उठा के जा रहा हूँ। मैं जाओ एक बात बताऊं। हाँ मेरी शादी हो रही है, दूल्हा मैं बनूंगा भाई। और एक खुशी की खबर, क्या? मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो इसमें कौन सी खुशी की खबर है? ये खुशी की खबर नहीं है। नहीं तू दे के दिखा। बोल मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा पूरी करोगे तुम? मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तेरी भी पूरी करूंगा। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये हाथ दो, जीजा जी मेरे। जो बच्चा मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगा। ये डंडा नीचे किसने फेंका? मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। हेलो डीजे वाले बोल रहे हैं? जी बोलो। मेरी शादी में डीजे बजाना है, चार्ज कितना लगेगा? टाइम कितना चाहिए? दोस्तों की दारू चढ़ने तक बजाना है बस, जब चढ़ जाएगी तो जनरेटर की आवाज पर ही नाच लेंगे। ले 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 ले। मेरे बाबू ने थाना थाया।
भाई तू क्यों रो रहा है, तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल कर ले। भैया कल हलवा खाने का मन कर रहा था तो देखा घर में सूजी नहीं थी, फिर याद आया कि पड़ोसी बाजार गया हुआ था तो मैंने फोन किया, बोला भैया सूजी है? वो बोला हाँ बहुत सूजी है, बैठा भी नहीं जा रहा। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो, समझ सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में और ज्यादा बोर हो जाओगे। और दीवार पर अगर तस्वीर लटकेगी नहीं, वो तो हिलती भी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ घर में रहो। यदि प्रधानमंत्री मोदी कह दे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ साबुन से धोना चाहिए तो कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया इस प्रकार हो सकती है। केजरीवाल, आप मेरी बात मान लो, मोदी ने साबुन कंपनियों से रुपए लिए हैं। राहुल गांधी, मोदी जी गरीबों का साबुन खर्च करवाना चाहते हैं। ओबेसी, मैं हाथ साबुन से नहीं धोऊंगा, ऐसा संविधान में कहां लिखा है? मेरी गर्दन पर भी चाकू रखोगे तब भी नहीं। कपिल सिब्बल, हाथ मेरा मैं क्यों धोऊं? मुलायम सिंह, हमारे होत भाई, यूपी वालों को हाथ धोने की जरूरत नहीं है, कोई माई के लाल ऐसा नहीं कर सकता। गिरिराज जी, जो साबुन से हाथ नहीं धोना चाहता वो पाकिस्तान चला जाए। और मुकेश अंबानी जी, स्वस्थ राष्ट्र की शुरुआत जियो साबुन के साथ, एक साबुन पर 500 MB डाटा फ्री। बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाइए शुद्ध गाय के गोबर से बने हुए साबुन से हाथ धोकर कोरोना से बचिए, जीवन सफल बनाइए, देश को आगे बढ़ाइए। अबे यार दानिश, कल मैं दलदल में फंस गया यार। अच्छा, और यार वहाँ पे कोई आदमी ना, मदद किससे मांगूं? फिर क्या हुआ? फिर क्या यार, मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, मैं भागा भागा घर को आया, घर से लेकर आया रस्सी डाली मैंने पेड़ में, और रस्सी पेड़ में डाल के फेंकी दलदल में, फिर दलदल में कूदा, रस्सी पकड़ के खींच के बाहर को आ गया। भैया आखिरी समय में रामायण और महाभारत सुनाई जाती थी। हाँ भैया बहुत डर लगता है, मोदी जी ने रामायण और महाभारत भी शुरू कर दिया। अच्छा, गांव की एक महिला ट्रेन में अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी तो एक शहर की औरत बोली, बहन जी हगीज नहीं है? तो बोली, नहीं दीदी, सिर्फ मोतीस है। रे, धरती के सारा इंसान खत्म हो जाए तो तू अकेला बचकर क्या करेगा? बाप रे बाप, पूरा राजा, पूरा देश के राजा अकेला राजा होंगे, साथ में बीवी होगी तब। साला अच्छा खासा मुंह पर पानी फेर दिया, अच्छा खासा मुंह पर पानी फेर। ओ अरे भाई साहब, ये सब कैसे हुआ? अरे भैया वो दही खा रहे थे और दही खाते खाते वैसे दही बचा है क्या? गांव की एक भागती हुई महिला रोड पर पहुंची और बस वाले को हाथ दिया, बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया और बोला, मैडम जी कहाँ जाना है? तो औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, थोड़ा हारन बजा दो, पो पो पो। कोरोना बिल्कुल मोहब्बत की तरह है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हमें गर्व है भैया अपने भारत के महिलाओं के ऊपर, ये भूखी भी रह लेंगी, प्यासी भी रह लेंगी, लेकिन चुप नहीं रह पाएंगी। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही आदमी ठिकाने लगा सकता है, वो है राहुल गांधी। जब 130 साल के कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया तो 67 साल की पाकिस्तान की क्या औकात। पागल होएगा का तू? क्यों? साइकिल पे हेलमेट लगाओ फिर रहा। बस ठीक, अभी हमें मोटरसाइकिल मिलेगी तो फिर आदत गिर रहा हेलमेट की। Yeah!
ओए होए छत पे लड़की, अरे नंबर ही दे दो। अरे बाल बहुत बढ़ गए। ओए हीरोइन नंबर दे दो तुम्हारा। अबे लड़का हूँ मैं। भाई हाँ, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाने दे, 4-5 दिन तक घर ही नहीं आऊंगा। भाई साहब आलू है ना, टमाटर है ना, मिर्च है ना, ताड़ा है हाँ, लगा दे ही दुकान के। सुनो जी, आप मुझसे ना बिल्कुल प्यार नहीं करते। इधर आ, ये क्या गूगल से डाउनलोड किया फिर? अच्छा, चीन कोरोना से तो इसलिए जीत गया क्योंकि चीन सिर्फ कोरोना से लड़ा था, और हम यहाँ कोरोना के साथ साथ गधों से भी लड़ रहे हैं। भैया अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो हमको दिया हुआ कुछ नहीं जलाना पड़ता। हाँ, हमारी सबकी फोटो के आगे खाली दिया जलती। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बैरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंध विपण ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। भैया आज तो मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फैन हो गया। वो बोल रहे थे कि जब कोरोना वायरस का कोई इलाज ही नहीं है तो टेस्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव, क्या करना है इसको जानकर। भाई 2-4 दिन और है लॉकडाउन कर्फ्यू का। हाँ हाँ, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, लोग साथ साथ घूमेंगे, ऐश करेंगे। मोदी जी नाम है उनका, मोदी जी। थोड़े दिन और घर में रहो, जान है तो जान है। अच्छा, चाइना बोलती है मास्क पहनो, इटली कहती है घर पर रुको, अमेरिका कहती है सैनिटाइजर का यूज करो, ईरान कहता है खूब पानी पियो, और इंडिया कहता है जो होगा देखा जाएगा। भैया आज मैं बस से आ रहा था, अब बस में एक भाभी जी मुझे मिली, वो पूछने लगी कि भैया तुम कहाँ के हो। मैंने कहा भाभी अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहीं का नहीं रहा। बर्बाद हो गया। अच्छा भैया, आज हम बस में आ रहे थे तो खड़े थे, आज अपना ये मोबाइल लिए हम खड़े थे, तो एक लड़की मेरे पास आई और बोली भाई साहब आज कल के मॉडर्न जमाने में भी आप कीपैड का मोबाइल लिए घूम रहे हो। तो हमने कहा मैडम एक बात बताएं, हमें टच करने से ज्यादा दबाने में मजा आता है। भाई साहब देखना, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई साहब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम खराब है। तो भाई साहब ये लो 200 रुपए, मौसम नया डाल दो ना। ओ माल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, घर में बैठे फाल तू, जल्दी से निकाल तू। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब बराबरी से डंडे खा रहे हैं। अच्छा पहले घर वाले बोलते थे सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, कभी तो थोड़ा बाहर निकला करो, और अब बोलते हैं पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहना, बाहर निकला तो टांगे तोड़ देंगे। ओए कौन है बे तू? अबे कौन है तू? अबे बोलता क्यों नहीं? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हसो हसो। यार ये इतना सारा कचरा किसने फैला के रखा है, घर के बाहर निकालो इस कचरे को। तो तू कहाँ जाएगा? बाजी कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते, 10 रुपए के मास्क 100 रुपए में, 100 रुपए के मुर्गा 10 रुपए में। अरे भाई। हाँ भाई। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए? भाई जाओ दारीबाग की हो। अच्छा ये दुनिया की पहली ऐसी बीमारी है जिसका कोई हालचाल पूछने भी नहीं जा सकता। आप लोगों को एक बात बताएं, कसम से किसी को बताना नहीं, बचपन में हम बुद्धिमान नहीं बहुत बुद्धिहीन थे, कसम से दिमाग से एकदम पैदल, असली नोट दे के नकली नोट खरीदते थे।
जीजा जी अस्सलाम वालेकुम। साला काला चश्मा पहन के दिखता नहीं है, मामू है मामू। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम छुट्टियों के मजे लिया करते थे, अब छुट्टियां हमारे मजे ले रही हैं। जब भी कोई बर्तन देखूं मेरी मम्मी मुझसे बोले धोले 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 धोले। अजब तेरे नखरे, गजब तेरा स्टाइल है। गांड धोने की तमीज नहीं, हाथ में मोबाइल है। दोबारा बोलियो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं है मुझे। बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं।